और आज सुबह सुबह हमारे घर में लाइट चली गई है, इसलिए मैं और मिस्टर गुल्लू जो है बाहर आए हैं ताकि थोड़ी देर बाहर बैठे हवा में। हालांकि इतनी गर्मियाँ नहीं है बट फिर भी पैनिक होता है जब लाइट नहीं होती, लाइट ऑफ होती है। और यहाँ से देखे हम जाया हुआ है, लाइट है फिर तुम क्यों हो? हाँ अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी लाइट आ चुकी है। आज हमने करनी है घर की डीप क्लीनिंग और अभी जो है मैंने रूम की जो है क्लीनिंग कर ली है सारी, मतलब करवा ली है सारी। और आज हमारे घर में बन रहा है आलू और अंडे। जो है सबसे पहले हम लोग अदरक लहसुन सब प्याज भून रही है, फिर जो आज करा। और अभी दे रही थी मैं क्लास, आपा आई हुई है और आई है अक्सा। अक्सा लेने आई थी। अक्सा कैसी रही तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास? मेरी क्लास बहुत अच्छी। अक्सा के दिमाग दही बना दी। नहीं अक्सा को जो है थोड़ी मुश्किल क्लास लग रही है। आप प्लीज अपनी कॉल बंद करो प्लीज, ये क्लास लेने आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताओ अक्सा तुम्हें कौन सी क्लास मुश्किल लग रही है? सच्ची बताओ लैशेस की इसको आसान जिसको वही मुश्किल लग रही है, और जो नेल्स का है जो आसान है वो उसको मुश्किल लग रही है। वो मुश्किल है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इजी। अच्छा पता क्या है नेल्स का ना, अभी तुमने सिर्फ नेल्स का पता है तुमने क्या है, तुम्हें सिर्फ थोड़े से नेल्स का क्लास मिला है, ज्यादा लैशेस का तो थोड़ा पूरा उसका दे दिया मैंने तुम्हें। अब कल से लैशेस आसान होगी, नेल्स मुश्किल रहेंगे तुम्हारे। लेकिन ये है कि तुम्हारे ऐसा ऐसा आसान हर चीज मुश्किल होती है, लेकिन कल से इसको बहुत मजे की लगने वाली क्लास, क्योंकि कल से ये प्रैक्टिकल करेगी और ये जब करेगी इसको बहुत मजा भी आएगा। और आपको कौन सी मुश्किल लगी? मुझे नेल्स, नेल्स की मुश्किल। हाँ, ये मैडम जो है तकरीबन कोई मैं कह रही हूँ सेशन होते हैं क्लासेस के, पूरे एक के साथ ले सके दूसरी के तीसरी के साथ अभी ले रही हैं, और अभी भी इनको नेल्स मुश्किल लगते हैं। लैशेस मुझे आसान लगे है ना। हाँ। लैशेस मैं पार्लर में भी गई थी, हर जगह हजार मरतबा देख चुकी है लैशेस, इसलिए इनको आसान है। मैंने नेल्स देखे लगते हैं, लैशेस का मुझे आईडिया नहीं है। मैंने वो उस दिन इसको देखा ना, बहुत मुश्किल है। पहले उसका वो सीमेंट बनाओ, फिर सीमेंट लगाओ, फिर पानी उतारो, फिर पता नहीं क्या, फिर लास्ट में जो है ना उसके ऊपर फूल पत्ते लगाओ, और नेल पेंट इसका ब्लैक इतना गर्ल्स पार्टी चल रही है और हमने मंगाए समोसे और पकोड़े, और हमारे पकोड़े खाएगी कक्कू रानी बड़ी सयानी। और आज हमारी कुक ने मजेदार से आलू अंडा आपा ट्राई करके ये कह रही थी कि बहुत मजे का है, तो मतलब मजे का ही होगा ना। खुशबू भी मजे की है। मुझे खाने पीने की चीजें बहुत पसंद है बचपन से। तो अभी नैना और मैं दोनों जा रहे हैं बाहर, सही है, क्योंकि इसको घूमने जाना है। क्या हुआ? घूमने नहीं जा। हाँ, फिर खाना ऑर्डर किया है। हाँ। आज मैंने घर से, वैसे मैंने हमारे घर में खाना बना था बट मेरा फिर दिल दही भले खाने का दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने शाहरुख से कुछ पैसे उधार लिए थे, और मैं किसी का उधार नहीं रखता। 150 रुपये वापस दे दो। क्यों क्यों शाहरुख? सारे पेट्रोल नहीं लगेगा लेने जाने का? पेट्रोल नहीं लगेगा? नहीं, वो पेट्रोल नहीं लगेगा, घर में डिलीवर करते हैं। तो हम लोग घर में नहीं होंगे, सही है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी जो है हम थोड़ा सा जो है पार्क की तरफ आए थे, मेरा दिल कर रहा था क्योंकि सारे दिन घर थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होता है। जब से मैं यहाँ पर हूँ मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत ठंड ठंडी हवा। तो मैंने अपने लिए ये दही भले ऑर्डर किए थे, वो आ गए थे, और ये कुछ यूँ दिखते थे। इनका पेज इंस्टाग्राम पर भी है घर के खाने, अगर आप लोग को भी मनवाना हो तो आप मंगवा सकते हैं, वहाँ से बहुत मज़े के होते हैं। पार्क से आने के बाद मुझे इतना नींद आ रहा था, फिर मैं सो गई थी। और उसके अलावा जब मैं वहाँ से उससे पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खैर देख रही थी, यूट्यूब पर जो चीज़ें चल रही थी, अन्य वहाँ मुझ पर इतनी सारी लाइव हो गई, इतनी सारी गालियाँ, इतना सब कुछ, मुझे हुआ क्या मुझे तो पता भी नहीं था। तो खैर घर की लाइफ के बाद तकरीबन मुझसे जो है छह लोगों से जो है मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है, और मैंने कभी ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं किया, बट मैंने छह लोगों से जिसने बोला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, मैंने उन सबसे बात किया, और मैंने सबसे बात करने के बाद मैंने सबको बोला कि हाँ मुझे आप लोग हेल्प करो इस चीज़ से निकलने के लिए, कि मुझे ये मैं हमेशा की हरासमेंट और हमेशा की ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे बस पीसफुली मेरी लाइफ जीना है। जिसको इन लोग मतलब मैंने कहा मैंने हर चीज़ कर ली, लेकिन ये बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि बहुत बड़ा जुर्म किया, बहुत बड़ा जुर्म किया, जैसे मैं इनके घर में इनके कत्ल करके आई हूँ। बस मैंने इतना कहा कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे किसी के ऊपर कुछ गलत नहीं चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि मुझे सुकून से जीने दें और मेरे बच्चे के ऊपर कोई बात ना करे। अब मुझे नहीं पता उन छह में से किसने
जो है नौशीन को, मरियम को कॉल किया है। अब मैंने उसका जो है, अभी मैं सुबह उठी हूँ तो मैं सबको एक एक करके मैसेज करूँगी और उनसे पूछूँगी कि अपने से किसने किया, क्योंकि मेरा जो मेन मसला है वो इनके साथ नहीं है इनका, क्योंकि ये लोग मेरे, मतलब ये लोग, मैंने कहा था कि लोग मेरे बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। मेरा मेन मसला जिनके साथ है उसको तो पता लग गया किसके साथ है ना। जैम के साथ था क्योंकि वो मेरे बारे में डेली बैठ के, एक मैं कहती हूँ बात करो, लेकिन डेली जो तुम किसी को घसीट, एक इंसान को पकड़ के बैठ जाओगे और फिर उसके ऊपर जब एक्शन लिया, जब मैंने उसके लिए स्ट्राइक दिया उसको, तो उसके ऊपर फिर सब ने मुझे आके गलत बोला, तो फिर मुझे जो है बहुत बुरा लगा और फिर मैंने सबसे जो है अपना हेल्प मांगा। लेकिन मुझे किसी से कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्होंने ना जो पर्सनल अपने ईगो का प्रॉब्लम बना लिया कि हमने अपने ईगो को, हमने अपने आप को आगे करने के लिए नैना को, मतलब इसके पीछे लगा, बेशक ये बिल्कुल ठीक है, बेशक इसने कुछ भी नहीं करना, बेशक ये अपने घर का काम कर रही है ना, अपना मतलब लैशेज का काम कर रही, कुछ भी कर रही है, लेकिन ये क्यों कर रही है? अगर इसने, मैंने सिर्फ इतना, दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाई कि मैं खुश हूँ, मैं इसमें खुश थी सच में, मतलब बस खुश थी मैं इसमें। सब ने मुझे कहा ना आप ये सब बातें मत बताया करो कि आप खुश हो, लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती कि ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी। और मैं आपको बस कुछ बातें बता रही हूँ जो जिन बातों का मुझे बहुत बुरा लगा है। एक तुम पर जैम बातें करती थी, चलो ठीक है उसका जो हो गया, उसके बाद स्टिल वो अब तक भी बातें कर रही है, वो चुप नहीं रहने वाली, क्योंकि उसकी कोई, कुछ लोग होते हैं ना जिनके कोई नफ्सियात ही होते हैं, वो जो है वो वही है। अच्छा, उसके अलावा कल मुझ पर फिर से जो है लाइव लगाएगी, उसमें बोला गया कि अब इसलिए प्रेग्नेंट हुई है कि इसलिए प्रेग्नेंट हुई क्योंकि केस हुआ था, प्रेग्नेंट किया इसको उसके शोहर ने, और अगर नहीं हो रहा बच्चा पैदा तो कोई नहीं FIA में हो जाएगा, ठीक है, और FIA में भी बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो है। इसके अलावा मैं आप सबको ये बता दूँ कि ना कुछ टाइम पहले मुझे कहते हैं कि तुमने गलत किया था, ठीक है मैंने किया, ठीक है तुम लोग कहते हो मैंने गलत किया, ठीक है जाओ मैंने गलत किया, फिर कितनी मर्तबा सॉरी कहा, फिर से अभी सॉरी की वीडियो बनाई। इन सब चीज़ों की वजह से मेरा एक बार पहले मिसकैरेज हुआ, ठीक है, और जब मैंने पहले इनको ये सब चीज़ें पहले इनको कहा कि मेरा मिसकैरेज हुआ, तो कहते हैं कि ना तुम्हारे जो 5-6 बच्चे पहले मरे हैं उनका हमारा हमसे कोई नहीं, अगर 1-2 और हो जाएगा तो हमारा कोई वास्ता नहीं, इस तरीके का लिखते हैं, ठीक है, ये इनके वर्ड्स होते हैं। 5-6 क्या मतलब में, क्या मैं हर महीने मेरा यही काम रहता है? और कर लाइव मैंने डिलीट इसलिए किया क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मैं बात करते करते रोने लग जाती हूँ। मुझे नहीं पसंद ये चीज़ कि मैं रोऊँ किसी के सामने, खासतौर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेक लगता है और बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। बात करते हुए ना, जब मुझसे आगे से कोई बात करते ना, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती हूँ, और मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद कि कल को मेरा बच्चा भी आके ये सब चीज़ें देखे, इतनी ज़्यादा जो है रोने वाली हैं, वो बिल्कुल ब्रेव नहीं है, मैं नहीं चाहती सब चीज़ें वो देखें। तो खैर बस यही चीज़ें थी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प होगा। खैर इनको मैंने नहीं चाह रही थी, इनको कॉल आ गई है और मुझे नहीं पता अब किस तरफ से आई है, मैं इनसे बात करूँगी। और खैर इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग यहीं पर। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे हक में कुछ बेहतर हो, और बस मैंने ये कर दिया कि मैं किसी का लाइव वगैरह नहीं देखूँगी, बस जो भी होगा अपना पर्सनल में रखूँगी, पर्सनल में जो भी मैं बोलूँगी कि मेरी हेल्प करें, कि अगर मुझे कहीं से कॉल आता है, कहीं से कुछ भी आता है, तो मैं उनका जो है रिकॉर्डिंग करके उनको भेज दिया करूँगी पर्सनल में, वो लोग अभी सॉर्ट आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों से बात हुई उनमें से जो 3 लोग हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हैं, और अल्लाह मेरे लिए मेरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।